ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के ऊपर मैं इस स्कैंडल की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पूछ रही थी और उन्होंने बड़ा ऑनेस्टली उससे एक एक चीज़ का जवाब दिया। अब मैं आगे की तरफ आना चाहता हूँ। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के ऊपर मुत्तहिदा अपोजिशन को या पीडीएम को एक्चुअली तहफ़ुज़ात क्या हैं? और दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब, जिनके ऊपर ओपनली इतनी तनकीद हो रही है, ऑनरेबल जस्टिस हैं, तो उनको आपने किस तरह की सिक्योरिटी फ्राहम की है कि वो इस तमाम तर कमीशन को सरबराही में अपने लेकर ठीक तरीके से चल सकें? लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो अपोजिशन का सबसे बड़ा एतराज़, उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ, क्योंकि ब्रॉडशीट के मामले को चाहे आप किसी जगह से भी, किसी कमीशन से भी, कहीं से भी, किसी एंगल से भी देखेंगे तो उसके अंदर से एक ही चीज़ निकलेगी जी, और वो जवाब ये आएगा कि नवाज शरीफ चोर है और उसकी चोरी में पीपल्स पार्टी ने भी उसकी मदद की है। ये बड़ा मैं आपको एक फेयर ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को किसी तरीके से भी, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनका कोई भी मेंबर ब्रॉडशीट के ऊपर आके बैठ के मुझसे बात कर ले कि ब्रॉडशीट में हुआ क्या। अब देखिए, इनका जो एतराज़ है अजमत शेख साहब के ऊपर, जो कि ऑनरेबल जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी, हाई कोर्ट के जज रहे जी, ये कहते हैं जी कि ये मुशर्रफ के प्रोसिक्यूटर थे, यही कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं। और ये कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में एक्सपोज भी हो गए और इस चीज़ का मैं यानी शाहिद भी हूँ कि अजमत शेख साहब एक लाहौर के बड़े रिनोन्ड प्रोफेशनल लॉयर थे जी, क्रिमिनल लॉ ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे जी, जी। उनको नवाज शरीफ साहब के सैफुर रहमान ने भी इंगेज किया था एज अ प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट, जब आसिफ जरदारी और बेनजीर के केसेस थे जी, और उसके बाद जब ये अगले केसेस बने, जो दौर चेंज हुआ, नैब आए, एहतसाब ब्यूरो से नैब बना, तो ही कंटिन्यूड एज अ प्रोसिक्यूटर। बिकॉज होता क्या है, आप जब मार्केट में जाते हैं देखने के लिए कि जी मुझे बेस्ट लॉयर चाहिए प्रोसिक्यूट करने के लिए या मुझे डिफेंस के लिए चाहिए, तो जो लोग हैं प्रोफेशनल दे ऑफर योर देयर सर्विसेज। तो अब इनका ये वाला जो चैलेंज था अजमत शेख साहब के ऊपर, वो तो ठुस हो गया क्योंकि इनमें किसी को पता ही नहीं था कि ये तो इनके वकील भी रह चुके हैं, यानी कि इनके दौर में हुकूमत के वकील रह चुके हैं, तो आपके दौर में रह चुके हैं, तो फिर क्या एतराज़ है? और दूसरा मसला ये है कि मियां साहब मशहूर हैं अपने अंपायर के साथ खेलने के लिए, तो ये जिमखाना के ज़माने में लाहौर में अपने अंपायरों के साथ क्रिकेट खेलते थे, और जस्टिस में भी इनको हमेशा सिर्फ जस्टिस कयूम ही पसंद है, उसके अलावा ये किसी जज को मानने को तैयार नहीं है। ये इनका बेसिक मसला है। सिक्योरिटी प्रोवाइड किया आपने? सिक्योरिटी बिल्कुल उनको प्रोवाइड की है। जस्टिस साहब इस्लामाबाद तशरीफ ला चुके हैं, उनको जो पूरी उनकी सपोर्ट सिस्टम है, सेक्रेटेरियल स्टाफ दे दिया गया है, चिट्ठियां लिख दी हैं जिन जिन महकमों से उन्होंने जो जो असिस्टेंस मांगी है कि उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके लिए वो कितने दिन में रिपोर्ट आ सकती है, कोई एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम दिया जो उन्होंने? टाइम है उसको 45 डेज। 45 डेज जी, 6 वीक्स का टाइम है उसके। राइट, अब जरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात करते हैं। अरकान असेंबली के जो फंड्स का मामला है उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ठीक ठाक बोला है, नोटिस लिया है उसके ऊपर। तो खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक दौर में ये कहते रहे हैं कि अरकान असेंबली को या MNAs को जो फंड्स दिए जाते हैं वो करप्शन का दरवाज़ा है, उस दरवाजे को हमने बंद करना है और हम उस दरवाजे को बंद करने के लिए आए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 2.5 साल हो गए इस पावर में है, और पावर में होते हुए वो उन्हीं अरकान असेंबली को जिनके बारे में एक वक्त में ये कहते थे उनको फंड्स जारी कर रहे हैं, तो ये कॉल और फेल का तजाद नहीं है? हरगिज़ नहीं है। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात है कि हमारे दौर में किसी मेंबर पार्लियामान को कोई पैसे हाथ में तो नहीं पकड़ाएगी। ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी है जिसके तहत जो फंड्स दिए जाने हैं डेवलपमेंट के मद में उसके पैरामीटर्स क्या हैं वो पहले से तय हैं, तो हम उन पैरामीटर्स के बाहर तो जा ही नहीं सकते। ये पर कॉन्स्टिट्यूएंसी एलोकेशन हो, इसको कैसे इंश्योर किया? बिल्कुल, क्योंकि फंड्स के ऊपर इख्तियार कोई भी MNA का नहीं होता। अभी जो हमने पॉलिसी बनाई हुई है उसमें तमाम जो इख्तियार है, कोई कमेटी है जो चेक एंड बैलेंस रखेगी या नया भी देखेगा? नहीं, MNA जो ने सिर्फ काम करना है, उसने सिर्फ स्कीम्स आइडेंटिफाई करनी है अपने हल्के के लोगों से कि जी यहाँ पे हम समझते हैं कि सड़क की ज़रूरत है, यहाँ पे वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, यहाँ पे स्कूल बनना है, दैट्स इट। उसके बाद MNA का कोई रोल नहीं है। वो सारा रोल जो है वो सिविल सर्वेंट्स का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, ब्यूरोक्रेट्स का है। उन्होंने उसकी जो पूरी फिजिबिलिटी है, तमाम रूल्स को फॉलो करना है। अगर वो नहीं करेंगे, कहीं करप्शन होगी? करप्शन नहीं होती सर। नहीं, अगर करप्शन होगी तो वो अपने करप्शन के जवाबदेह होंगे, लेकिन हम ये वाला पैसा सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमारे सामने है, 8 में से 6 सैंपल्स जो है वो 2020 के हैं, 2 सैंपल 2019 के हैं, तो है तो आपके दौर के ही। और उसके ऊपर जो रिस्पांस हमारे तर्जमानों का आया, यानी आपकी गवर्नमेंट के तर्जमानों का आया, वो हम सब के सामने है, यानी वो भी मलबा पिछले वालों पर डालने की। मैं आपको उसको बड़ी बड़ी सिंपल बात प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, दैट इज़ अ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स।
कि एक आम तासुर पहले भी आता रहा है जी, पहले भी आता है, हमेशा होता है तासुर कैसा है। और मैं वो उस पर ज्यादा उस पर नहीं जाता, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं। प्लीज टू पाकिस्तान इस दफा उसकी रेटिंग में 4 नंबरों का फर्क पड़ा जी, और उसके जो स्कोर है उस पर 1 नंबर का फर्क पड़ा। ठीक है, 1 नंबर की कमी हुई स्कोर में और 4 नंबरों का प्लेसिंग में फर्क पड़ा। जो प्लेसिंग है 24 में चली गई। प्लेसिंग जो है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि किसके बाकियों के नंबर्स बढ़े हैं, तो वो उस पर डिपेंडेंट होती है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं है। ठीक है, जो 1 नंबर आपका कम हुआ है वो रूल ऑफ लॉ की चीज के अंदर कम हुआ है। रूल ऑफ लॉ के अंदर ये नहीं है कि कोई बंदा करप्शन कर रहा है या करप्शन बढ़ गई है। रूल ऑफ लॉ के अंदर मसला ये है कि जो सिस्टम है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, जुडिशरी है, उसके ऊपर लोगों का एतमाद किस हद तक है, उससे परसेप्शन की बात होती है। तो वो मैं जैसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, जब हम अकाउंटेबिलिटी करने जाते हैं, ट्रेस, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट, जब हम प्रोसिक्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम सबको ये बात मानना पड़ेगी कि हमारे मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या आपका सिविल सिस्टम है, दोनों के अंदर निज़ाम की तब्दीली होना बाकी है। ठीक, और वो तब्दीली के लिए भी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, मैं खुद इस फील्ड से हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जी। मैं मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लोगों को अक्सर ये शिकायत है कि ट्रायल में तवालत क्यों होती है और बड़े लंबे ट्रायल चलते हैं। अब मसला क्या आता है, देखिए हमारे मुल्क में, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आम लोगों को बड़े आसानी से समझ में आएगी। हमारे मुल्क में जब आप गवाही रिकॉर्ड कराते हैं और उसके जवाब में आपके ऊपर जब जिरह होती है वो सारी लिखी जाती है। ठीक है, दीगर ममालिक में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उसमें कुछ तरक्की पजीर ममालिक भी हैं, वहाँ पे ये चीज़ रिकॉर्ड होती है जी। और उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसकी वजह से अब अगर इन दोनों का मुआवजा करें, टाइम कम लगता है, ज़्यादा लगता है सर, इसमें 20-30 टाइम ज़्यादा लगता है, जी, जनरेशंस निकल जाती हैं। अच्छा सर, होता क्या है दूसरा जी, हमारे यहाँ गवाही दी जाती है किसी न किसी रीजनल जुबान में, मतलब आप केपी चले जाएं, पश्तो में गवाही हो रही होती है, इधर पंजाबी में हो रही होगी, सराइकी में हो रही है, सिंधी में हो रही है, बलोची में हो रही है, उसके बाद वो गवाही लिखी जाती है अंग्रेजी में, वो ट्रांसलेशन भी उस जज ने करनी है। अच्छा, फिर जब वो जज सब ट्रांसलेशन कर देते हैं तो उसके ऊपर भी एतराज़ आ जाता है, दो साइड के वकील होते हैं, कहते हैं जी ये फलानी चीज़ की ये मतलब आपने गलत लिख दिया, फिर उसकी तसीह भी होती है। सो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं पूरे मुल्क के अंदर, इसको बेहतर करना है। फिर दूसरा मसला, ट्रायल्स बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, अदालतें काम हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेशली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के ऊपर पहले हमें हुक्म किया 100 अदालतें बना देनी चाहिए, उस पर जब हमने वर्किंग की और उसका जो वो एक बजट बना वो हमने अदालत के सामने पेश किया, और ना सिर्फ बजट, बजट के साथ नंबर ऑफ जजेस, बिकॉज देखिए हमने माजी की तरह, इन्होंने तो माजी में अपने जजेस लगाए। हमारा जब ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई तो एक आइडिया ये था कि जी आप नए जजेस भर्ती कर लें, वकीलों को भर्ती कर लें, उसके ऊपर हमारा जो डिसीजन हुआ वो भी ट्रांसपेरेंसी को देख के था कि नहीं, अगर आप अपने जजेस लगा देंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, आप ये ना करें, आप जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको ये सीरियस क्राइम्स होते हैं उसके अंदर वो आए, तो हम इसको इंक्रीमेंटल करते हैं बजाय इसके कि हम ये एकदम करें। तो हमने पहले सुप्रीम कोर्ट के पास वापस गया, हमने कहा जी हम पहले फेज में 30 अकाउंटेबिलिटी कोर्स बढ़ाते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से आपका वो जो सारे रिफॉर्म्स के अंडर आते हैं ना सर, और वो उस वक्त करेंगे जब आपके पास नंबर्स होंगे। देखिए दो तरह के सारा नंबर्स होंगे, जिस तरह आपने अभी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह अभी आपने टेस्ट ट्रायल और इस तरह की एग्जाम्पल्स दी, इसी तरह एक डेवलपिंग पॉलिटिक्स के नाम से किताब है, उस किताब में वो तीन लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, I and D। नंबर वन, I इज़ इंटेंट। इंटेंट तो खान साहब की सबको पता है कि ही इज़ सीरियस कि वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर टू है नंबर्स, यानी नंबर्स आपके पास पूरे हैं या नहीं है। नंबर्स पूरे नहीं हैं तभी आप लोग मजबूर हैं, कभी इस जमात से उस जमात से आप लेजिस्लेट नहीं कर पा रहे। नंबर थ्री है डायरेक्शन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ मीडिया को भी है, पब्लिक को भी है, कि लगता है ऐसा है कि आपको जाना लाहौर की तरफ है और जा मरी की तरफ है, ऐसा तो नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तीनों पे बात कर लेते हैं। इंटेंट तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। देखिए उस लीडरशिप की असल चीज़ है इंटेंट, उस इंटेंट के साथ बनती है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए देखिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है सर। नहीं देखिए नंबर, अब आप देखना सेनेट में अगर आप एक्सपीरियंस में आ जाते हैं तो फिर तो मसला नहीं, नंबर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और वो नंबर्स के साथ ही तो हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली देखें, अभी तो
सीनेट का इंतखाब होगा और इंशाल्लाह हमने 2.5 साल बाद फिर दोबारा इंतखाब में जाना है और हम बेहतर नंबर के साथ आएंगे। जो दौरे हुकूमत मुद्दते हुकूमत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल पूरी होगी। अच्छा। अगर कोई भी शख्स गैर आइनी बातचीत सोच रहा है तो उसको अपनी सोच पर सोचना चाहिए कि जो सोचता है कि जी ये पूरी नहीं होगी। देखिए जो है ना डायरेक्शन, जी डायरेक्शन आपकी दुरुस्त है तो हमने जिस हालत में हमें इकॉनमी ये दे के चले गए थे उसकी इस वक्त आप देखिए कि डायरेक्शन दुरुस्त हो रही है। इवन प्राइस जो इशू है, प्राइस के इशू के ऊपर भी अगर आप रिसेंट उसके देखिए जो प्राइसिंग इंडेक्स आया है, खातर खा कमी हुई है, बेहतरी हुई है, डायरेक्शन हमारी ठीक है। मसला पता क्या, यहाँ पे उसको एक और चीज़ भी मैं कहता हूँ पंजाबी की ऐड कर लेनी चाहिए, रोड़े। हाँ। ये जो रोड़े अटकाए जाते हैं ना हमारी तरफ, रोड़े कौन अटकाए? सर ये तो देखें अपोजिशन तो पूरी दुनिया में करती है, तो आप भी जब अपोजिशन में थे आप लोग कर रहे थे। देखिए रोड़े अटकाएं किसी चीज़ के ऊपर, किसी इशू के ऊपर, प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर। अपोजिशन का काम है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और उसके लिए उसको वो पूरी वो अवेलेबल है कि वो करे। सर वो जो 126 दिन का धरना था वो भी क्रिटिसिज्म था और उन्होंने बर्दाश्त किया, आप लोग भी बर्दाश्त करें ना। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम देखें हम ये कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं अपने उस नंबर्स की वजह से ये ब्लैकमेल करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। हमें सड़कों का कोई मसला नहीं है, हमने तो इनको देखें, हमने तो इनको लाहौर में हम लोग ब्लैकमेल हो भी रहे हैं। अच्छा देखें हम तो हरगिज ब्लैकमेल, अगर हम ब्लैकमेल हो रहे होते और इनको एनआरओ दे देते तो अभी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कैसे तोड़ी आप लोगों ने? हमने नहीं तोड़ी, ये खुद ही टूट गई। नहीं खुद तो नहीं टूटी सर, देखें बच्चों के हाथ में उन्होंने डोरी पकड़ा दी। अब वो देखें वो मौलाना साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों में? मैं नहीं समझता, पीडीएम जो इस वक्त बड़ी डिफ्यूज नजर आ रही है हम भी तो देखते हैं ना सर तजियागार की अनक सर। मेरा तो अक्सर देखें मेरा ये मेरा मशवरा है, आज भी मैंने सुना है वो पीडीएम वाले मिल रहे हैं बड़े सारे। हाँ। इनको अपनी सफों में देखना चाहिए। महंगाई मार्च के नाम से मार्च करने जा रहे हैं मार्च में, और मार्च में धरना इस्लामाबाद में देना, और ये वही मौलाना साहब हैं जो कहते थे कि मैंने दमदम मस्त कलंदर कर देना 31 जनवरी के फौरन बाद। ये देखें तारीख पे तारीख, आप चाय पानी पिलाएंगे सर? चाय पानी और भी बहुत सारी चीजें, बिरयानी हलीम और भी सैंडविच, मिनरल वाटर सैंडविच, सब कुछ तैयार है इस्लामाबाद, सब कुछ तैयार है। ये आए अपने शौक पूरे करें जिस तरह से आना चाहे। देखिए मसला पता है इनके पास नंबर नहीं है, जो आपने नंबर की बात की थी ना, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर इसलिए नहीं है कि जो आम आदमी है वो इनके साथ कनेक्ट नहीं करता। एक मिंक के कोट पहने हुए, गुची के बैग उठाए हुए एक औरत के साथ वो किस तरह से उसके साथ अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं, जहाँ पे अवाम नीचे ठटर रही है और ये खुद जनाब बड़े, और उनको आप अंदाज़ा करें इस पार्टी की बलूगियत की या इस वक्त जो इसकी लीडरशिप है उसकी बलूगियत की कि लाहौर का पीडीएम का जलसा इन्होंने रखा हुआ था दोपहर को 2 बजे। जी दोपहर के 2 बजे उस दिन इतनी ठंड थी लाहौर में जिसका अंदाजा नहीं था। ठंड थी, मैं खुद वर्कर वहाँ पे जिसको जो भी ये बिरयानी के लिए ऊपर ले आए वो वहाँ उसकी कुल्फी जम रही थी। ये सब सारे 2.5 घंटे इन्होंने बैठ के मुरगन खाने खाए हैं अय्याज सादिक के घर में बैठ के। इस बात का इकरार खुद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया था कि मेरी कुल्फी जम गई। इतना खाने के बाद भी इनकी कुल्फी जम गई, अंदाजा कर लें। और जो खाली पेट खड़े थे उनका क्या हुआ होगा? उनका वही हुआ ना, दे डिडंट हैव नंबर्स। जब इन्होंने देखें तकरीरें की वहां पे बंदा ही कोई नहीं था तो फेल हो गया। अब देखें जो मोमेंटम है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल या बात सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज, हमने एक दफा ड्रोन मार्च किया पीटीआई के अंदर, मैं उस वक्त खान साहब के साथ था, तो हमारी यहाँ पे बनी गाला में, और उस वक्त पीटीआई वो उस तरह से बड़ी पार्टी नहीं बनी थी अभी, हमारी जो डेवलपिंग फेज में थी और इश्यूज के ऊपर हमारा होता था। हम इधर G6 वाले दफ्तर में बैठे हुए थे और ये डिस्कशन हो रही थी कि जी हमने जाना है तो वजीरिस्तान जाना है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो उस वहाँ कुछ लोगों ने मशवरा दिया खान साहब को कि जी, और हालात बड़े ख़राब थे उस वक्त, टेररिज्म था, ब्लास्ट, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा खान साहब आपकी बड़ी कीमती जान है, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उन्होंने खान साहब ने कहा था मैंने तो जाने ही जाना है। तो किसी ने मशवरा दिया कि जी आपको हम हेलीकॉप्टर पे ले जाएंगे उधर और रैली हम निकाल के ले जाएंगे, लोगों की जान खतरे में। तो उस पे जो खान साहब का था मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा है किस किस्म की बात कर रहे हैं कि एक रैली लीडर के बगैर जाएगी तो ये कैसे मुमकिन होगा, उस रैली में जाएगा कौन, क्या पब्लिक जाएगा ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।